चुनावी बिसात बिछाने के लिए झारखंड में अब जातियों को साधने की कवायद है। झारखंड में परिवर्तन का संकल्प लिए बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों को झारखंड में उतार दिया है। दौरे तय हैं, सांसद आ रहे हैं, बीजेपी के सीएम फेस झारखंड में नजर आ रहे हैं, चेहरे अलग अलग हैं, लेकिन इनका संकल्प एक है, सत्ता के शीर्ष पर बीजेपी को फिर पहुंचाना ही इन चेहरों का मकसद है। रणनीति पर कांग्रेस ने भी रास्ता बनाना शुरू कर दिया है। जहां बीजेपी के कई सीएम झारखंड में बीजेपी को मजबूत करने में जुटे हैं, तो कांग्रेस ने भी अपने पूर्व सीएम को झारखंड में उतार दिया है। झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई नहीं, लेकिन दलों की तैयारी का नजारा चुनावी माहौल बता रहा है। बीजेपी से जहां असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा झारखंड में डेरा जमाए हैं, छत्तीसगढ़ से भी बीजेपी के सीएम विष्णुदेव साय का झारखंड दौरा लगा रहता है। अब मध्य प्रदेश से भी बीजेपी के सीएम मोहन यादव दुमका में बीजेपी की परिवर्तन सभा में नजर आए, आए भी दमदार नजर में आए। हिमंत के खिलाफ सियासी अंदाज दिखा, निशाने पर कांग्रेस आई। ओबीसी आदिवासी वोट बैंक पर नजर, ओबीसी समाज को साधने का संकल्प, यादव समाज के बड़े चेहरे मोहन यादव हैं, आदिवासी को साधने के लिए विष्णुदेव साय नजर आते हैं, चेहरों के जरिए खास वोट बैंक पर नजर है। संथाल में आदिवासी और ओबीसी वोटर्स की संख्या को देखते हुए बीजेपी ने दोनों समाज के अपने बड़े नेताओं को मैदान में उतार दिया है। करा क्या है, जितना झूठ बोल सकते थे उसकी पराकाष्ठा की है, लेकिन हम आज भारतीय जनता पार्टी के उस नेता के साथ इस झारखंड के राज्य को भी कदम से कदम मिला के चलाना चाहेंगे, जिसका नाम यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी है। हमें इस बात का आनंद है, जिनका नाम लेना पर्याप्त है। आदिवासियों के लिए पहली बार बहनों की यहां ताकत बैठी हुई है, मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। आदिवासियों के नाम पर कांग्रेस ने हेमंत सोरेन सहित उनके सारे लोगों ने हमेशा वोट लिए, अपनी सरकार बनाई, झूठ बोल के आगे बढ़ते गए, लेकिन आज तक कभी किसी आदिवासी बहन को भाई को राष्ट्रपति नहीं बनाया, ये दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा। आज यशस्वी हमारी अपनी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की अगर राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी अगर है, तो उसका सबसे बड़ा कारण यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इधर जनता को साधने के लिए सियासी यात्रा का कारवां भी कांग्रेस शुरू करने जा रही है, लेकिन उससे पहले संवाद के जरिए चुनावी माहौल में उतरने से पहले कांग्रेस संगठन में जान फूंक रही है। इसके लिए चेहरे कांग्रेस से भी झारखंड में उतर रहे हैं। बीजेपी की तरफ भले ही सीएम ना हो, लेकिन पूर्व सीएम ही कांग्रेस के संवाद कार्यक्रम में नजर आए। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने झारखंड कांग्रेस को मजबूती से चुनाव लड़ने का मंत्र दिया। बघेल कहते हैं कि भगवान की वजह से छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बन गई, लेकिन झारखंड में बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। झारखंड में सियासी नजारा चुनाव की तारीख की घोषणा से पहले है। दूसरे राज्यों के सीएम उतर रहे हैं, परिवर्तन की हुंकार हो रही है। संवाद आपके साथ से संगठन मजबूती की कवायद भी हो रही है। रिपोर्ट 99 न्यूज़।